जब पुलिस परिवादी की सही रिपोर्ट नहीं लिख रही है तब न्यायालय परिवादी की रिपोर्ट को एफआईआर के रूप में लिखने का आदेश दे सकता है। ब्रैकेट ओपन, इस मामले में परिवादी अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट लिखाना चाहता था, कॉमा, परंतु पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी। ब्रैकेट क्लोज, पूर्ण विराम, पैरा चेंज। अपराध की गुरुता के आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है, डैश ब्रैकेट में आ, संज्ञेय अपराध कॉमा तथा ब्रैकेट में बा, असंज्ञेय अपराध पूर्ण विराम। असंज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज कराने के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 155 में उपबंधित किया गया है, कॉमा, जो निम्नवत है, डैश पैराग्राफ, जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, कॉमा, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा और इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा, पूर्ण विराम, पैरा तीन। कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है, पूर्ण विराम, पैरा तीन। कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर, ब्रैकेट ओपन, वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय, ब्रैकेट क्लोज, अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कॉमा, जैसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है, पूर्ण विराम, पैरा तीन। जहां मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों
से है कॉमा जिनमें से कम एक संज्ञेय है कॉमा वहाँ इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है कॉमा वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा पूर्णविराम पैराचिन्ह विस्तार व क्षेत्र डैश धारा 155 की उपधारा एक में पुलिस द्वारा असंज्ञेय अपराध की सूचना लिखने की प्रक्रिया बताई गई है पूर्ण विराम यह प्रक्रिया संज्ञेय अपराध की सूचना लिखने की प्रक्रिया से भिन्न है पूर्ण विराम असंज्ञेय अपराध की सूचना का केवल सार लिखा जाता है पूर्ण विराम यह सार थाने का भार साधक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निमित्त रजिस्टर में स्वयं लिख सकता है या अपने किसी कर्मचारी से लिखा सकता है पूर्ण विराम आम बोलचाल की भाषा में इस रजिस्टर को गैर दस्तंदाजी चिक रजिस्टर कहते हैं पूर्ण विराम सूचना का साथ लिखने के बाद थाने का भार साधक अधिकारी सूचना देने वाले को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दाखिल करने या उससे पुलिस के नाम अन्वेषण का आदेश प्राप्त करने को कहेगा पूर्ण विराम थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं भी मजिस्ट्रेट से अन्वेषण का आदेश प्राप्त कर सकता है पूर्ण विराम पैराचिन्ह असंज्ञेय अपराध की सूचना केवल उस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है जिस थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे असंज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है पूर्ण विराम संज्ञेय अपराध की सूचना पर यह बंधन नहीं है पूर्ण विराम संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है कॉमा चाहे संज्ञेय अपराध उस भार साधक अधिकारी के क्षेत्र में ना हुआ हो कॉमा उसको ऐसी सूचना दी जा रही है पूर्णविराम यदि FIR का सार डेली डायरी में नहीं दर्ज किया गया है कॉमा और ना इस डायरी में